केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली। आपका दिल्ली में प्रदर्शन, आतिशी और सौरभ समेत कई नेता पुलिस हिरासत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। ईडी ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम उन्हें 10वां समन देने आई थी। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को ईडी अपने दफ्तर ले आई है। आरएमएल अस्पताल से पहुंची डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल किया है। केजरीवाल की रात ईडी की लॉकअप में कटी है। केजरीवाल को आज दोपहर 2:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी केजरीवाल की रिमांड की कोशिश करेगी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा है कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जस्टिस संजीव खन्ना सुंदरेश की बेंच बनाई गई है। हालांकि कुछ देर बाद ही केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा, केजरीवाल के वकील ने जस्टिस संजीव खन्ना को बताया है कि ट्रायल कोर्ट में रिमांड की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ टकरा रही है, इसीलिए उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। ट्रायल कोर्ट से पहले हम रिमांड प्रोसीडिंग पर लड़ेंगे और फिर एक और याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता भी शराब नीति केस में ईडी की गिरफ्त में है। ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सिसोदिया और कविता के साथ अन्य नेताओं ने मिलकर शराब नीति बनाने और इसे लागू करने की साजिश रची थी। साउथ लॉबी से कविता के जरिए आई 100 करोड़ की रिश्वत के पार्टी में इस्तेमाल मनी ट्रेल को लेकर केजरीवाल से पूछताछ हो रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के आईटीओ में प्रदर्शन किया है। दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी सीएम केजरीवाल के घर उनके परिवार से मिलने जा सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।